नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू है और इसको लेकर के तमाम अधिकारियों की आज बैठक हुई। जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनकी बैठक हुई और अपने सभी सुरक्षा कर्मियों को वो निर्देश दे रहे थे कि इस बार के बजट सत्र में क्या कुछ विशेष जो है वो इंतजाम जो है वो किया गया है। वहीं आपको बता दें कि पिछले बजट सत्र के दौरान यानी कि 2021 के बजट सत्र के दौरान जो हालात बने थे, जो तस्वीरें सामने निकल कर आई थी, वैसी तस्वीरें ना आए और किसी तरह का कोई चूक ना हो, इसको लेकर के जो है पुख्ता इंतजाम जो है वो किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो जिलाधिकारी हैं, पटना SSP हैं, वो तमाम अपने अधिकारियों को और प्रशासन को जो है वो निर्देश दे रहे हैं। और चप्पे चप्पे पे आपको बता दें कि ये पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताए हैं कि जो अपने बॉडीगार्ड को लेकर के जो विधायक आते हैं सदन में, उनको इस बार जो है अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी कर्मी जो अगर अंदर प्रवेश भी करते हैं तो सबसे पहले उनसे पूछताछ करिए, उसके बाद ही उनको अंदर में प्रवेश करिए। यानी परिसर यानी बिहार विधानमंडल के परिसर में जो है धारा 144 लगाया गया है, अंदर में किसी तरह का कोई जो है हरकत ना हो, इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम जो है वो किया जा रहा है। और अपने तमाम प्रशासन को जो है वो हिदायत दे रहे हैं और निर्देश भी दे रहे हैं ताकि किसी तरह का कोई चूक ना हो और आने वाले बजट सत्र जो 25 फरवरी से शुरू हो रहा है उसमें किसी तरह का कोई कमी न रहे, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि पटना SSP और DM और ADM जो हैं वो अपने तमाम अधिकारियों को ये निर्देश दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो पिछली बार की तस्वीर है वो फिर से न दोहराई जाए और किसी तरह का कोई जो कंप्लेन जो हम जो आता है यानी कोई भी गाज जो प्रशासन के ऊपर जो गिरता है वो किसी तरह का ना हो, तो इसका भी ख्याल जो है वो सभी को रखना है। और जितने भी गेट हैं विधानमंडल का, जितने भी गेट है और उस गेटों पर जो है वो प्रशासन मौजूद रहेंगे, अधिकारी मौजूद रहेंगे। और इस बार यही कयास लगाया जा रहा है कि किसी तरह का कोई जो है वो चूक न रह जाए, किसी तरह का कोई गलती ना हो ताकि प्रशासन के ऊपर उंगली उठाई जाए। हम आपको छोड़े जाते हैं कि क्या कुछ कर रहे हैं पटना के DM चंद्रशेखर सिंह। ठीक सर, कैसी होगी सुरक्षा? ये विधानमंडल का जो सत्र शुरू हो रहा है, बजट सत्र है और लंबा चलेगा, तो उसके लिए जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है उस संबंध में आज हम लोगों ने सभी पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी की संयुक्त ब्रीफिंग हम लोगों ने आज यहाँ किया है विधानसभा परिसर में। तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त रहेगी और विधानमंडल की कार्रवाई में बाहर से किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो, इसको सुनिश्चित कराने के लिए हम लोगों ने मुकम्मल इंतजाम किया है। ज्वाइंट आर्डर इशू किया गया है और उसके अनुसार आज पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी की ब्रीफिंग की गई है। प्रमुख निर्देश क्या दिया गया? नहीं, प्रमुख निर्देश यही है कि अपने दायित्वों का निर्वहन मुस्तैदी से करना है, जो जिसका जहाँ ड्यूटी है उसको मुस्तैदी से करना है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि आर्म्स लेकर के प्रवेश वर्जित है तो वो सुनिश्चित कराना है और उसके लिए आदेश भी निकाला गया है। धारा 144 लगाई गई है, अनावश्यक लोगों का कोई भीड़ भाड़ जो है वो अलाउड नहीं है और किसी प्रकार का विधान परिसर के आसपास धरना प्रदर्शन जुलूस इत्यादि की अनुमति नहीं है। जुलूस या धरना प्रदर्शन के लिए जो धरना प्रदर्शन स्थल चिन्हित है गर्दनी बाग में, वहाँ पर धरना प्रदर्शन जो भी आयोजित किया जा सकता है और वहाँ से हम लोग मजिस्ट्रेट के माध्यम से जो भी प्रतिनिधिमंडल है, ज्ञापन है, उसको हम लोग फैसिलिटेट करेंगे और जहाँ उस पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ हम लोग पहुँचाएँगे। लेकिन विधानमंडल के आसपास किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो, इसको सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। सर, बीच वाले पोर्टिको में बताया जा रहा है कि बाहर वाले नहीं, ये तो हम लोग जो व्हाइट लाइन है उसके बाद की बात कर रहे हैं। व्हाइट लाइन के अंदर जो पोर्टिको है वो विधानसभा परिसर के अंदर है, व्हाइट लाइन के अंदर है, वहाँ मार्शल लोग रहते हैं, वो लोग अपना देखेंगे। हम लोगों को व्हाइट लाइन के बाहर, भवन के बाहर की व्यवस्था परिसर की और उसके बाद बाउंड्री के बाहर की व्यवस्था हम लोगों को देखना है, उसके लिए हम लोगों ने देखा, निर्देशित किया। सर, 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 एक सवाल है, मीडिया कर्मी के लिए दो रहते हैं, परिषद का अलग रहता है, सभा का अलग रहता है, सिर्फ येलो ही कार्ड नहीं हम लोगों का बनता है? तो जो पूर्व की व्यवस्था है वही व्यवस्था इस बार भी रहेगी, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, थैंक यू सर।